जैसे आप सब लोगों को पता है मेरे पास ये वाला हेलमेट है एम टी का स्टिंगर। इसमें अभी मेरे को एक इशू फेस हो रहा है कि जो इसका वाइज़र है वो ऊपर अटक नहीं रहा है, अपने आप ही नीचे गिर रहा है। तो मैंने शॉपकीपर से पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दे सेड कि यहाँ पर एक लॉक होता है जो आपके वाइज़र को ऊपर होल्ड करके रखता है। वो लॉक हमारा टूट चुका है जिसकी वजह से हमें ये वाइज़र चेंज करना पड़ेगा। बट मेरा ये जो हेलमेट है ये पुराना वाला मॉडल है, इसके अंदर ये वाला रेड सेट आता था जो ये मैकेनिज्म होता है अंदर ये वाला। अब नया वाइज़र हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें ये चीज़ भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल करके एक वेबसाइट है वहाँ से बताया कि वहाँ से आप ये वाला मैकेनिज्म ऑर्डर कर लीजिए, जब ये मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा उसके बाद वी कैन इंस्टॉल अ न्यू वाइज़र इन आर हेलमेट। चलिए हमने एक ऑर्डर तो किया हुआ है पावर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल वेबसाइट से अपना ये वाला मैकेनिज्म, तो जैसे ही वो आता है फिर आपको हम बताते हैं। एक हफ्ता हमें वेट करना पड़ा इस ऑर्डर को हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये कुछ मैकेनिज्म ऐसा है, अगर इसमें आपको खोल के दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म है। तो चलिए जल्दी से इसको फिर इंस्टॉल करते हैं अपने हेलमेट के अंदर, और हम ये काम शॉपकीपर से ही करवाएंगे सो दैट उनसे हम नया वाइज़र भी ले लेंगे, साथ में ये वाला चेंज भी करवा लेंगे। तो मिलते हैं आपको फिर शॉप पे। हम लोग आ गए हैं राइडर्स प्लैनेट क्रोल बाग। ये येलो है, ये सिल्वर है, ये येलो वाला नाइट के लिए जाता है ना, और रेनबो दिखाना, ये आपका है सिल्वर है रेनबो, ये धूप के लिए सही रहेगा। ये रेनबो है आपके पे, जैसे जैसे कलर लाइट पड़ेगी ना वैसे वैसे हाँ। कलर चेंज होता रहेगा। तो गाइस फाइनली हमारे हेलमेट का मैकेनिज्म चेंज होने जा रहा है, और मैकेनिज्म चेंज करना बहुत ही इजी है, जस्ट दो स्क्रूज़ खोलने हैं और जो नया वाला मैकेनिज्म है हमें वो इंस्टॉल करके और स्क्रूज़ को टाइट करना है, दैट्स ऑल। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट फॉर्मेट दिखाऊंगा सो दैट आपका टाइम इसमें वेस्ट ना हो। सो गाइज फाइनली हमने रेनबो वाइज़र सेलेक्ट किया है हमारे हेलमेट के लिए, तो इसको भैया को दे देते हैं ताकि वो इसको इंस्टॉल कर पाए हमारे हेलमेट के ऊपर। वाइज़र चेंज करने के बाद हेलमेट कुछ ऐसा लग रहा है, मैंने इसको नाइट में भी यूज़ किया है और दिन में भी यूज़ किया है, दोनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस वाइज़र ने। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि ये न्यू वाइज़र हेलमेट पे कैसा लग रहा है। और जो मेरा मैकेनिज्म था वो अराउंड 725 का आया था, और जो वाइज़र है दैट कॉस्ट मी 1200। और इस मैकेनिज्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपके पास सेम हेलमेट है और आप सेम इशू फेस कर रहे हो तो आप उस लिंक पे जाके उस रेड चैट और इस मैकेनिज्म को आप परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।